जब आप ये कह देते हैं ना कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, बल्कि आप सारे बुत तोड़ देते हैं जो आपके अंदर रुकावट बने होते हैं ऊपर जाने के। नफ्स का बुत, सब बुत, सब बुत। सबसे बड़ा बुत तो जी खौफ का बुत है, ये सबसे बड़ा बुत है। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक एक खिलाड़ी कामयाब होते ही नहीं देखा जब तक अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता था। खौफ हारने का, खौफ गेंद लगने का, हम मैं जलील ना हो जाऊं, ये खौफ है सारे, ये रोकते हैं इंसान की परवाज को, जो कि ला इला इल्ला खत्म कर देता है। दूसरी चीज, ये जो हमारे में मौत का डर है, जिसे मैं जब से आऊं पॉलिटिक्स में, कई दफा लोगों ने कहा जी आपकी ये जान को खतरा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन, पहली दफा मैंने अल्ताफ हुसैन को ललकारा, कोई नहीं इस मुल्क में ललकारता था उसके, सब ने कहा जी अब आपका है, अपना ध्यान रखें, वो थ्रेट्स भी आए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपका ये खौफ दूर करता है कि जब आपने अल्लाह के सामने बैत कर ली और कोई खुदा नहीं, और जब उसने कहा कि मेरे पास है टाइम ऊपर जाने का, कोई और नहीं कर सकता, आप और आजाद हो जाते हैं। जो इकबाल का शाहीन है ना जी, वो एक आजाद होता है इंसान। सारी इकबाल की जो कोशिश थी सोए हुए गुलाम मुसलमानों को आजाद कर, सारी उसकी, अगर आप उसकी पोएट्री, खुद ही सारी खुददारी सब कुछ उसके अंदर, वो हमें जगाना चाहता था। जो इस वक्त मुझे जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे मुल्क को ना मुख्तलिफ बुतों ने गुलाम बनाया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो होता है, मुख्तलिफ बुत है ना जी, सबसे बड़ा है जी खौफ है, ओहो वो ताकतवर है, वो आपको मार देंगे आपको, मुझे इन्होंने कहा जी आपने नहीं जाना उधर, आपकी जिंदगी खतरे में, वो मेरी अपनी पार्टी घबराई हुई कि जी आपको मार देंगे, क्योंकि वो लोग अभी भी बैठे हैं, और वो अभी भी बैठे हैं जिन्होंने मेरे पर मुझे पर ये करवाया, वो अभी भी पावर में बैठे हैं। सो सारे डरे हुए थे। तो नंबर वन ये है जी, और दूसरा जो खौफ है ना, जो 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 मेरे ख्याल में कह रहे जी मेरी रोजी चली जाएगी, मैं जी वो पुलिस वाला जुल्म करता है लोगों पे, गलत ऑर्डर्स ऑफ बे करता है, एफआईआर नहीं काटता, मेरी जी रोजी चली जाएगी। यार मैं ये आप राय हक से हट रहे हैं सिर्फ इसलिए किसी खौफ की वजह से, मेरे ख्याल में वो